इस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर। ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488568698 9234623333। जीएस न्यूज चैनल में चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज 23वां सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को किस टेलीकॉम कंपनी को 833 करोड़ रुपए का रिफंड देने का आदेश दिया है? ए एयरटेल, बी रिलायंस जियो, सी वोडाफोन आइडिया या डी बीएसएनएल। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कल के प्रतियोगिता में आप सबसे पहले जवाब दे सकें। नवगछिया में कोरोना विस्फोट, रिकॉर्ड 32 लोग हुए संक्रमित। नौगछिया अनुमंडल में कोरोना विस्फोट थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को नौगछिया में रिकॉर्ड 32 संक्रमित मामले सामने आए हैं। अब तक की यह सबसे बड़ी संख्या है। नौगछिया शहर, खरीक प्रखंड और नारायणपुर में कोरोना हब बनता जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के पास कोई मास्टर प्लान भी नहीं है। वे लोग ही जांच करवा पा रहे हैं जो खुद चलकर अस्पताल तक जा रहे हैं। मालूम हो कि शुक्रवार को भी कोरोना के 27 मामले नौगछिया से सामने आए थे, जबकि शनिवार को नौगछिया से 1, रंगरा से 13, गोपालपुर से 4 और नारायणपुर से 14 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में गंगा नदी के जलस्तर में 19 सेंटीमीटर की वृद्धि। इस्माइलपुर बिनटोली में पिछले 24 घंटे में गंगा नदी के जलस्तर में 19 सेंटीमीटर की वृद्धि होने के कारण शुक्रवार को गंगा नदी 31.29 मीटर पर बह रही है। यह जानकारी इस पर संख्या 6N पर स्थित जल संसाधन विभाग के कैंप कार्यालय से मिली है। मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल सभी स्तर पूरी तरह सुरक्षित है, परंतु बाढ़ का पानी पिछले हिस्से में फैलने के कारण आम लोग, खासकर पशुपालकों की परेशानी काफी बढ़ गई है। मकनपुर चौक से मदन अहिल्या कॉलेज तक सड़क का निर्माण हो अन्यथा राजद करेगा आंदोलन। नौगछिया शहर को जोड़ने वाली मकनपुर चौक से मदन अहिल्या कॉलेज तक PWD सड़क, मुख्य सड़क की स्थिति काफी बदहाल है। जगह जगह 2 से 3 फीट तक गड्ढे बन चुके हैं। लगातार बारिश होने के कारण सड़क पर बने गड्ढों में बरसात का पानी जमा हो रहा है, जिससे आने जाने वाले लाखों लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परंतु इस सड़क की ओर ना तो किसी प्रशासन की नजर पड़ती है, ना ही सत्ता दल के नेताओं का। राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा ने विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि डबल इंजन की सरकार बिहार में सड़कों का जाल बिछाने का दावा करती है, लेकिन नौगछिया में इस सड़क की स्थिति देखने के बाद नीतीश सरकार पर सवारिया निशान खड़ा हो रहा है। वहीं यदि 15 दिन के अंदर इस सड़क का मरम्मत नहीं किया जाता है तो राष्ट्रीय जनता दल अपने तमाम समर्थकों के साथ आंदोलन करने को बाध्य होगा, अन्यथा वक्त रहते आमजन के हित में इस सड़क का निर्माण करा दिया जाए। नागपंचमी को लेकर नगर बिसारी मंदिर में पूजा अर्चना। कोरोना काल में शनिवार को नागपंचमी श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। सुबह से ही नौगछिया अनुमंडल क्षेत्र में नागपंचमी को लेकर घरों में रौनक देखने को मिली। लोगों ने सुबह से ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखकर इस बार नागपंचमी मनाया। नौगछिया अनुमंडल के सुप्रसिद्ध नगर बिसारी मंदिर में नागपंचमी 2 गज दूरी बनाकर मनाया गया। शनिवार सुबह मंदिर के ज्योतिषाचार्य शंकर ठाकुर, शुभंश ठाकुर, यदुवंश ठाकुर, सुशील ठाकुर द्वारा मंदिर में पूजा अर्चना की गई। कोरोना के कारण इस बार मंदिर में भक्तों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपने अपने घरों में पूजा अर्चना कर नागपंचमी मनाया। वहीं पूजा को लेकर ग्रामीण युवा संपूर्णानंद ठाकुर, चंद्रकिशोर ठाकुर, माधवानंद ठाकुर, राहुल कुमार, सन्नी चौहान, सत्या पांडे, सुशांत सिंह, आनंद विशाल, साकेत माधवा सहित युवाओं द्वारा मास्क का वितरण कर माता विसारी से कोरोना बचाव हेतु प्रार्थना किया गया। जिला परिषद ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। कदुआ दियारा पंचायत के भूतनाथ स्थान समीप कोसी बांध टूटने के बाद वहां के कई घरों व गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। घरों में बाढ़ का पानी घुसने से लोग ऊंचे जगह स्थानों पर शरण ले रहे हैं। वहीं शनिवार को जिला परिषद नंदनी सरकार ने कदुआ के कटे हुए भूतनाथ बांध, बालू घाट व बुटनी घाट के निरीक्षण के दौरान वहां के बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना, जहां ग्रामीणों का आरोप था कि नौगछिया के वरीय पदाधिकारी की लापरवाही की वजह से यह बांध टूटा है। अब पैसा नहीं बनेगा, पढ़ाई में बाधा। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना, पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA सहित नर्सिंग कोर्स में लें निःशुल्क नामांकन। हमारा पता है MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप, नवगछिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8228-9599-05।
88 73 97 36 80। ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे भाजुमो कार्यकर्ता। भाजुमो के प्रदेश प्रवक्ता आलोक सिंह बंटू ने कहा कि कोरोना काल में भाजुमो कार्यकर्ता अहम भूमिका निभा रही है। इस विकट परिस्थिति में भी लोगों का मदद कर रही है। इस दौरान भाजुमो कार्यकर्ता को सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसको लेकर भाजुमो के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और क्षेत्रीय प्रभारी की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने किया। वहीं मौके पर उन्होंने पदाधिकारी को कई दिशा निर्देश भी दिए। सभी को कोरोना के संकट काल में घर में ही रहकर काम करने का निर्देश दिया गया है। वहीं मौके पर उन्होंने बताया कि 28 जुलाई को युवा वर्चुअल संवाद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिला कार्य समिति और प्रदेश कमेटी के सदस्य जुड़ेंगे। 12 लाख की लूट का गुटखा पुलिस ने बलहा से किया बरामद। नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के पंडित टोला बलहा में शनिवार की अहले सुबह मथुरापुर बाजार के व्यवसायी के गोदाम के पास सड़क पर लगी पिकअप संख्या BR10GB2943 पर संदिग्ध अवस्था में खड़ी गुटखा से भरी पिकअप से 62 बोरा मधु कंपनी की गुटखा भवानीपुर पुलिस ने बरामद किया है, जिसका अनुमानित दर लगभग 12 लाख रुपया बताया जा रहा है। थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि 22 जुलाई को नोगछिया थाना क्षेत्र में ट्रक से भरी पान मसाला गुटखा को अपराधियों ने हथियार के बल पर 200 बोरा गुटखा लूट लिया था। गुप्त सूचना पर पुलिस जवानों के साथ छापेमारी किया गया तो पिकअप में 62 बोरा मधु गुटखा पाया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 12 लाख रुपए है। नारायणपुर में निजी क्लिनिक में ऑपरेशन के बाद प्रसूता की गई जान, आक्रोशित परिजन ने जमकर किया हंगामा। नारायणपुर इस्माइलपुर PSC के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजेश के बीपुर स्थित उर्मिला क्लिनिक में खरी के खैरपुर के चंदन कुमार की पत्नी प्रसूता प्रियंका देवी की जान चली गई, जबकि बच्चा सही सलामत है। मौत के बाद परिजन ने जमकर हंगामा किया। देर शाम मामले में चंदन कुमार के लिखित बयान पर चिकित्सक समेत 3 कर्मियों के विरुद्ध मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें पिंटू देवी, काजल कुमारी, बबलू कुमार और चिकित्सक डॉक्टर राजेश कुमार को आरोपित किया गया है। चंदन कुमार का कहना है कि शुक्रवार रात को उन्होंने अपनी पत्नी को बीपुर के उर्मिला क्लिनिक में भर्ती कराया, उससे 25,000 रुपए लिए गए और पानी स्लाइन शुरू कर दिया गया। स्लाइन चलता रहा और उसकी पत्नी की बेचैनी बढ़ती गई। जब उन लोगों ने बोला कि डॉक्टर से बात करवाओ तो कर्मियों ने ही डॉक्टर राजेश से बात करवाया। चंदन कुमार का कहना है कि डॉक्टर राजेश ने उन्हें फोन पर कहा कि वो आधे घंटे में आ रहे हैं, फिर बच्चे का निकासी करवाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चंदन का कहना है कि जब दर्द काफी बढ़ गया तो कोई डॉक्टर आया और ऑपरेशन करके चला गया, जो उन लोगों ने नहीं देखा। ऑपरेशन के बाद मरीज का पेट फूलने लगा और दर्द काफी बढ़ने लगा तो डॉक्टर के बारे में पूछा, तब कर्मियों ने जवाब दिया कि डॉक्टर साहब होम क्वारंटीन में हैं। चंदन का कहना है कि इतना सुनते ही उन लोगों के होश उड़ गए और कुछ देर बाद ही उनकी पत्नी प्रियंका ने दम तोड़ दिया। चंदन ने कहा कि उन्हें धोखे में रखकर रुपए की ठगी की गई है और चिकित्सक के साथ कर्मियों ने मिलकर उनकी पत्नी को मार दिया है। मामले में बीपुर के थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार ने कहा कि मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है, पुलिस ने सबको जब्त कर लिया है, सबका पोस्टमार्टम नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में करवाया जाएगा। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है। मक्का व्यवसायी के मोटरसाइकिल की डिक्की से 1,10,000 रुपए की चोरी, थाने में दर्ज किया सनहा। झंडापुर के मक्का व्यवसायी के मोटरसाइकिल की डिक्की से अज्ञात चोरों द्वारा 1,10,000 रुपए चोरी करने का मामला प्रकाश में आया है। मक्का व्यवसायी का आरोप है कि जब वे मामले की प्राथमिकी दर्ज कराने थाने पहुंचे तो थानाध्यक्ष ने मनचाहा आवेदन लिखवाया और मामले में सिर्फ सनहा दर्ज करने की कार्रवाई की। पीड़ित मक्का व्यवसायी बीपुर थाना क्षेत्र के झंडापुर निवासी नरेश सिंह ने पूरे मामले की शिकायत नौगछिया की SP से लिखित रूप से की है। मारपीट के मामले में आरोपित युवक को कदवा पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। कदवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रताप नगर कदवा निवासी कनकी राय के पुत्र राजेश राय को कदवा पुलिस ने कवर्ण संख्या 69/19 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार ने बताया कि राजेश मारपीट के एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था। बैक चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने पोदार गली नवगछिया। अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, फ्लाय, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है।
मोबाइल 8954-855-586। बैग है लेना तो बैग च्वाइस ही है जाना।